आज हम बात करेंगे बुलेरो नियो N8 के बारे में। बोल्ड, बहुत बोल्ड लुक के साथ आती है ये। इसके बारे में सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कितने रुपए की आती है, एक शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस आपको कितने में मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे बुलेरो के फीचर्स के बारे में। आप सबसे पहले इसका फ्रंट देखिए, मतलब फ्रंट से ये कितनी ब्रॉड ब्रॉड टाइप की दिखती है, बिल्कुल बोल्ड लुक के साथ न्यू बुलेरो लॉन्च हुई है ये। तो फ्रंट जो है इसका बहुत अट्रैक्टिव है। अगर मैं फ्रंट लाइट्स की बात करूं तो फ्रंट लाइट जो आप ये देख रहे हैं हैलोजन लैंप्स के साथ आती है विद वेरी अट्रैक्टिव ग्रिल। इसकी जो ग्रिल दी गई वो भी बहुत इंप्रेसिव है, और फोग लैंप्स का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा। नीचे से देखिए कुछ, यहाँ नीचे भी रेलिंग टाइप का सा ये दे रखा है यहाँ पे बम्पर के बीच में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड से देखिए यार, टायर की बात करें तो इसमें टायर साइज जो है वो 2575 R15 का टायर साइज इसका दिया हुआ है। C8 के टायर हैं इसके अंदर, मतलब लुक्स के मामले में बात करें ना यार, किसी से भी कम नहीं है, सबको पीछे छोड़ रही है। पीछे आपको डिफोगर, वॉशर, वाइपर, स्पॉयलर सब मिल जाते हैं उसके साथ, बहुत सुपीरियर, एकदम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, आई कैचअप वाली बात है यार इसके लुक्स के साथ में। गाड़ी को अंदर से भी दिखाते हैं हम आपको, गाड़ी अंदर से कैसी है सारी चीज़ें बताएंगे, हर चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। अगर इसके हैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बोतल का स्पेस मिल जाता है, और हैंडल यार ये जो मतलब डोर का साइज देख रहे हैं ना, ये कलर देखिए क्रीमिश कलर के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। इंटीरियर कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, इंटीरियर यार बहुत ज़्यादा शानदार है, फुल एकदम इसका कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कलर से तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाएंगे, बहुत इजी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली है इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और बाकी स्टेयरिंग की बात करें तो हम इसमें आपको एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड नॉन टच स्टीरियो ऑडियो सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर। रिमोट कीलेस एंट्री, ट्रांसमिशन इसके अंदर मैनुअल 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, 4 power window स्विचेस अवेलेबल, और यहाँ पे 3 cup holders का ऑप्शन मिल जाता है आपको, थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉइन्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। और बाकी तो कंसोल की बात करूँ यार, मुझे बिल्कुल TUV 300 महिंद्रा वालों की जो है बिल्कुल सेम है उसमें भी। यहाँ आपको 12-volt चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, USB का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको बराबर में। AC की बात करें तो इसके अंदर आपको मैनुअल AC मिलता है। अगर डैशबोर्ड की तरफ आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। डोल टोन कलर्स में आपको इसका डैशबोर्ड मिलेगा जो कि कलर्स के मामले में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा एकदम खास लगता है देखने में। AC वेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, और जिसकी जिसके मटेरियल है ना ये भी बहुत अच्छा है। ग्लो बॉक्स की जो आप अंदर डेप्थ देखेंगे बहुत अच्छा है, साइज़ है। IRVMs इसके अंदर आपको डे नाइट शिफ्टिंग के नहीं मिलते हैं, मैनुअल आपको इसके अंदर IRVMs मिलेंगे। जो इसकी सेंटर लाइट है, सेंटर लाइट देख लीजिए यार इसकी, मतलब हैलोजन दे रखी है। यहाँ पे भी कुछ इसका स्पीकर टाइप समथिंग है। वैनिटी मिरर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक मिरर का ऑप्शन मिलेगा सेकंड में, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कार्ड होल्डर वगैरह का उसमें ऑप्शन वो भी नहीं दे रखा है। तो इस तरीके की है यार, और अंदर से देखें यार इंटीरियर, ये जो आपकी ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं ये बहुत अच्छे लगे हैं मुझे ग्रैब हैंडल्स। अब थोड़ी बात स्पेस के मामले में कर लेते हैं। मेरी हाइट 5'8" है, और मैंने आगे की सीट पूरी पीछे की हुई है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना ही हेड रूम में ना ही लेग रूम में। तो स्पेस के मामले में बहुत अच्छी है। बुलेरो नियो की यहाँ पे बेजिंग मिल जाती है आपको। पीछे से स्पेस दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे से बूट स्पेस देखेंगे यार आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। पीछे पहले वाले जो मॉडल था उससे कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला है आपको, यहाँ पे दो बंदे आराम से खुल के बैठने वाले हैं, तो टीनेजर बंदे। इंटीरियर माइलेज की बात करें तो ये आपको 17 के आसपास का आपको माइलेज निकाल के दे देगी। इंजन के बारे में बात करें तो जो मॉडल आप इस वक्त देख रहे हैं तो 1.5 liter 1500 cc का इंजन इसके अंदर आता है, जो 100 BHP पावर जनरेट करता है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 192 mm ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलेगा। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 9,48,000 रुपये, ऑन रोड प्राइस मिलेगा आपको 11,19,075 रुपये।